छोटे से विवाद के चलते एक हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र की है। सिमरौल थाना क्षेत्र में मृतक के बच्चे को एक व्यक्ति ने धक्का मार दिया था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और विवाद से ही संबंधित व्यक्ति ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने कुछ घंटों में ही तफ्तीश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिमरौल थाना क्षेत्र में चौराल जंगल में एक इमलीखेड़ा गांव है, उसमें एक ही गांव में रहने वाले एक मंगल ने दिलीप के सिर पे फावड़ा मार दिया था लड़ाई के दौरान, तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसपे सिमरौल में अपराध कायम कर सभी व्यक्तियों की जा रही है। सर, किस कारण से ये कुछ हत्या की बात है? ऐसा जो अभी तक बातचीत में सामने आया है, बच्चे को उसने धक्का मार दिया था दिलीप ने, तो उस झगड़े में दिलीप के सिर पे आपस में उनका झगड़ा था, हाथ में फावड़ा था, तो वो मार दिया उसने। सर, किसके बच्चे को धक्का मार दिया था कुछ जानकारी? जो मारने वाले के उसमें मृतक ने धक्का मार दिया था, ऐसा कहना बताना। कितने लोगों के खिलाफ सर कुछ जानकारी? एक है, एक आदमी के खिलाफ।